पिताजी, एक बार मैं निकुंभला में जाकर निकुंभला देवी का 12 वर्षों तक अपनी स्त्री भोजन व नीत को त्याग कर कठिन तपस्या किया, जिसमें देवी ने खुश होकर बोली, बेटा इंद्रजीत, जो वर मांगना चाहते हो मांग लो। मैंने कहा, हे माते, मुझे रण में अजय अमर होने का वरदान दीजिए। तो उन्होंने कहा, मैं ये वरदान तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हें ये वरदान देती हूँ कि तुम्हारे समान जो 12 वर्षों तक स्त्री भोजन व नींद को त्याग करेगा, वही तुम्हारा वध कर सकता है। तो बताइए पिताजी, इस संसार में ऐसा कौन है जो मुझे परास्त कर सकता है? दोनों तब से जुल्म कर डाले हैं, बिन यत्न नहीं झुक सकते हैं। जब ब्रह्म शक्ति बेकार हुई, फिर शक्ति कहाँ चल सकती है? जय पाने के हित यज्ञ करो बेटा, अगर जय पाना हो तो जाकर रण में यज्ञ करो। जय पाने के हित यज्ञ करो, बस यही कार्य उचित होगा। पाने को आज विजय रण में, बस यही नियम उचित होगा। कन्हैया लगई लूटा छोड़ के न जई है, सन्हैया लगई लूटा छोड़ के न जई है। ए बबनी अखिया के सोझा हमरे रही है, सन्हैया न अम्बे जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुनी गाए भारती। ए मैया, हम सब उतारे तेरी यावारती। अम्बे जय हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुनी गाए भारती। ए मैया, हम सब तारे तेरी। मेघनाथ देवी का यज्ञ कर रहा है, अगर इसका यज्ञ पूर्ण हो गया तो इसपे विजय पाना बहुत मुश्किल होगा, इससे इसका यज्ञ भंग किया जाए। प्यारे हनुमान जी, आप इस यज्ञ को भंग कर दीजिए। निकुंभला देवी के वरदान को सच करते लक्ष्मण युद्ध कर रहे हैं। 12 वर्षों तक अपनी पत्नी उर्मिला का त्याग कर वनवास नीत नारी त्यागे लखन, भोजन छोड़े खास, व्रत पूरा उनका हुआ, लिए असुर के प्राण। और लक्ष्मण जी ने एक काल के समान मंत्रों का बाण इंद्रजीत पर संधान किया और वह असुर मारा गया।
चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तु ही धनवान हे गोरी, बाकी सब कंगाल। अबे शिवशंकर सिंह सिपाही 21 रुपए हमारे लिए प्रदान करते हैं, सादर नमस्कार। इंद्रजीत के मरने का समाचार पाकर रावण, चिंता करने की कोई बात नहीं है महाराज, आपके भाई भवीषण का पुत्र तरणी सेन वो बहुत मायावी है महाराज, और तपस्वियों पर विजय जरूर प्राप्त कर लेगा महाराज। रुपया सिपाही की माताजी योगदान करती हैं, और 21 रुपया ब्रजेश कुमार सिंह बजरंग दल के सदस्य हैं, और 21 रुपया मूरत सिंह बजरंग दल के सदस्य हैं तथा इन सबको हमारी कमेटी की तरफ से कोट कोट सा धन्यवाद। अनंत राज सिंह श्रृंगारपुर में पहुंचे, कृपया राम भक्त से मैं निवेदन करूंगा कि मेघनाथ मारा जा चुका है, त्रिड़ी सेन मारा जाएगा, उसके बाद रावण मारा जाएगा, और अंत में यह सबसे बड़ा राक्षस रावण भी मारा जाएगा। जब तक रावण न मारा जाए तब तक आप लोग यहां से जाइएगा नहीं। आज हम लोग ये 60 साल पूरे हुए हैं रामलीला के, यह रामलीला आजादी के 4 साल के बाद 1950 में जब इस देश को पूर्ण देश आजाद मान लिया गया था, उसके 4 साल बाद से यह रामलीला शुभारंभ हुई है 1954, और अब 60 साल पूरे हुए हैं। इस 60 साल में हम चाहते हैं कि रावण का वध करके ही आप सब जाएं, इतना समय खर्च किए हैं तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा और लगेगा। धन्यवाद, जय श्री राम। उसी समय वह मायावी त्रिड़ी सेन रामा दल में पहुंचा। भज मनी राम लखन सिय मेरे, भज मनी राम लखन सिय मेरे, दूरी हो जाएंगे दुखड़े तेरे, भज मनी राम लखन सिय मेरे। का
तब विभीषण ने युक्ति बताई। तब श्री राम ने ब्रह्म वाण का संधान कर उष्ट्रीसेन नामक निश्चर का वध किया। आपके दर्शन करते हुए आपके करकमजों द्वारा मारा गया,